भारत की कम्युनिस्ट पार्टी झरिया लोकल कमेटी के द्वारा आम लोगों की ज्वलंत जन समस्या को लेकर घोषित कार्यक्रम के तहत लोकल कमेटी की ओर से पार्टी केंद्रीय कमेटी के द्वारा घोषित कार्यक्रम के तहत झरिया अंचल के समक्ष जुलूस व प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि भाजपा की निकम्मी सरकार ग्रामीण मजदूरों का शोषण कर रही है। इस सरकार से गरीब काफ़ी परेशान है। यह सरकार महंगाई से लोग को परेशान कर रही है। रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल एवं रोजगार की भारी वृद्धि के कारण यहाँ के गरीब परेशान हैं। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया है, तो क्या मांगे क्या आज की धरना प्रदर्शन से आपकी? हम लोग की मांगे हैं कि गैस के दाम बढ़ गए हैं, तेल का दाम बढ़ा हुआ है, मतलब जितने भी उद्योग हैं उसके रेट को बढ़ा दिया गया है जी, जिसके चलते जितने भी आम जनता है परेशान है, इसलिए हम लोग यहाँ पे धरना दिए हैं। पिछले महीनों से लगातार गैस में दो बार दाम बढ़ गया है, इसे घर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है आप लोगों को? घर में काफी ज्यादा परेशानी है। क्या परेशानी? जैसे अब कोई पैसे के लिए तो गैस नहीं भरवा पा रहे। पहले कितने में गैस भराते थे और अब कितने में भरा पाते हैं? पहले तो 600 रुपए में गैस भरा जाते। आज कितनी कीमत है सर? आज तो उसका 824 रुपया दाम हो चुका है। तो क्या परेशानी आ रही घर गृहस्थी में आप लोगों को? गरीब आदमी कहाँ से क्या कर पाएंगे? तो क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से मांग है कि जो हमारे जो 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 रेट है वही रेट ले, जो सरकारी रेट है वही ले, दाम को ना बढ़ाएं जिससे आम जनता परेशान है। क्या नाम है आपका? खास करके महिलाएं ज्यादा परेशान है क्योंकि उन्हें घर में सारा कुछ संभालना होता है, बच्चे को पढ़ाना होता है, खाना बनाना होता है, जिससे महिलाएं बहुत ज्यादा ही परेशान। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रीना पासवान है और हम झरिया सचिव है।